हेलो पढ़ंतुओं, आपका पढ़ंतु क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एग्रीकल्चर के जो राइस से संबंधित कुछ एमसीक्यू करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग आगे कुछ बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे जो मुख्य रोग हैं राइस के और उससे कैसे निवारण होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को अंत तक देखें और क्लास अगर अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न कि चावल का वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम क्या है। ये काफी आसान प्रश्न है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं और सभी जानते भी होंगे। इसका आंसर है ओराइचा सेटाइवा। ठीक है, ये एक एशियन राइस है, याद रखिएगा इसे, एशियाई चावल है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम ओराइचा सेटाइवा है। ठीक है, आगे देखिए, राइस जो है, चावल जो है, वो किस प्रजाति से, फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा, यह ग्रास है। ठीक है, यह ग्रास है और सबसे बड़ी ग्रास कौन सी है हम जानते हैं, बैम्बू है। उसके बाद ग्रास फैमिली, साथ साथ ये दोनों फैमिली से भी बिलोंग करता है, यानी कि इसका आंसर तीनों हो जाएगा। तो मुख्य अगर ग्रास फैमिली है तो भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये तीनों फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रामिनाई, पवाशिया और ग्रास फैमिली, घास प्रजाति से बिलोंग करता है। सबसे बड़ा घास कौन सा होता है, वो होता है बैम्बू। ठीक है, जब पेड़ काटने की बात आई कि जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो पेड़ काटने की बात आई, उस समय कहा गया कि बैम्बू काटने के लिए बहुत तेजी से ग्रोथ होता है बैम्बू, तो इसको काटने पे रोक नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किस प्रजाति से है, ग्रास फैमिली से है। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। आगे देखिए, बोने का समय ओस राइस का, कौन से राइस का, ओस राइस का बोने का समय क्या होता है? अब हमारे पास तीन प्रकार के मुख्य राइस होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास तीन राइस होते हैं। देखिए, पहला राइस है जिसको बोलते हैं अमन, उसके बाद जो राइस है उसको बोलते हैं ओस, और तीसरा राइस है। इस टेबल को आप समझ लेंगे तो आगे के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, जिसको बोरो कहा जाता है, हिंदी में भी बोरो कहते हैं। ये तीन प्रकार के राइस देखे जा सकते हैं, अमन, ओस और बोरो। इन सब का क्या हो गया, सोन टाइम बोने का समय और हार्वेस्ट का टाइम काटने का समय, तीन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि किसका कौन सा समय है। ठीक, तो अमन की बात करेंगे तो इसका सोन टाइम है जुलाई और अगस्त। अगर ओस की बात करेंगे तो इसे समर बोला जाता है और ये इसका सोन टाइम है अप्रैल और मई, और बोरो का विंटर राइस, इसे हम लोग नवंबर और दिसंबर के बीच में बोते हैं, याद रखेंगे। तो ये सोने बोने का समय है, बुआई का समय। अगर हार्वेस्ट कटाई के समय की बात करें तो कटाई के समय यहां पर आप इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, इसको विंटर में काटते हैं, इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। इसका नाम है विंटर नवंबर और दिसंबर, याद रखिएगा। जनरली स्टैंडर्ड यही है, बरसात के समय में जो अधिकतर उगाया जाता है यही है, बाकी सब वैरायटी भी कहीं कहीं देखी जा सकती है। इसको कटाई की सितंबर अक्टूबर ऑटम सीजन में होता है, इसलिए ऑटम राइस भी इसको कहते हैं, ऑटम प्रकार भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। और बोरो का समर में, इसलिए इसको समर याद रखिएगा, इसको विंटर, इसको ऑटम और इसको समर राइस, और ये मई और अप्रैल के बीच में। तो ये जो समय दिखाता है कि क्या कहते हैं, क्या और नाम है, वो इसके हार्वेस्टिंग के हिसाब से, ना कि बुआई के समय के हिसाब से। तो तीन प्रकार के मिल गए हमको, अमन, ओस और बोरो, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला, तो इससे प्रश्न हमारा मिल गया है कि सोइंग टाइम क्या हो जाएगा। तो सोइंग टाइम आप देख लीजिए किसका पूछ रहा है, ओस का, तो हो गया अप्रैल और मई। तो ये यहां पर ये आंसर हो जाएगा, जून जुलाई, कोई दिक्कत नहीं, अप्रैल मई आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओस राइस इज ऑल्सो नोन एज, ओस राइस को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ओस राइस को क्या कहते हैं,
अभी हम लोग देख लिए हैं ऑस राइस को यहां पर क्या कहते हैं, ऑटम। इसका आंसर हो जाएगा ऑटम राइस। ठीक है, इसकी चर्चा कर चुके हैं इसलिए इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, ऑटम राइस। सोइंग टाइम ऑफ अमन राइस। अब सोइंग टाइम अमन राइस का क्या है, जून जुलाई, क्लियर है, देख लीजिए अमन राइस का क्या है, जून जुलाई है, जुलाई अगस्त लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है, जून जुलाई में होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जून जुलाई। सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस, सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस हम लोग देख चुके हैं, विंटर कहा जाता है इसको, इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर टू जनवरी। तो ये सब एक ही चीज पढ़ने से काफी चीज हमको यहां हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अमन राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अमन राइस को क्या कहते हैं, विंटर राइस, हम पढ़ चुके हैं इसको, ठंड के समय में इसको काटा जाता है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, विंटर राइस। ठीक है, अमन राइस जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है। बोरो राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज समर राइस, इसलिए ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे देखिए, इन विच राइस लॉजिंग डज नॉट अकर, लॉजिंग मतलब होता है पौधों का, जैसे पौधों का दब जाना एक तरफ जमीन के तरफ, तो ये किसमें देखी नहीं जाती है, तो ये याद रखिएगा जैपोनिका राइस में नहीं देखी जाती है, इसकी फसल दबती नहीं है। लॉजिंग मीन्स होता है दबना, जमीन की तरफ झुकना। आगे देखिए, लेमा फ्ली टुगेदर कॉल एस, अब जब हम बीज सीड देखते हैं, जो भी उपज होता है, फसल होती है, ये जैसे आपको ये मिल गया धान यहां पे दिख रहा है, तो इसके कुछ भाग को देखिए क्या कहते हैं, इस भाग को ऊपर में जो पकड़ा हुआ इसको क्या बोलते हैं, लेमा, और इसको बोलते हैं प्ले। अब ये लेमा जो है ये पूरा चिपका हुआ रहता है इसके साथ, जिसको आसानी से अलग नहीं किया जाता है, खुलता है बहुत कम समय के लिए, और इन दोनों के समूह को हल या फिर हस्क कहा जाता है। ठीक है, इसके जो ऊपरी कवर होते हैं, जिस सीड को कवर करता है, जो बीज को, धान को कवर करता है, उसके दोनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्ले, और लेमा के समूह को हल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन की बात हो रही है यहां पर, स्व परागण। तो परागण दो प्रकार के होती हैं। देखिए, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायो से बेस्ड अगर आप हैं तो पूछा जाता है कि परागण पॉलिनेशन तथा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर होता है। तो देखिए, यहां पर जो निषेचन होता है उसमें नर तथा मादा के जो गैमेट होते हैं उनका फ्यूजन होता है, और यहां पर नर भाग से जो पोलन ग्रेन होते हैं, पराग कण होते हैं, वो चले जाते हैं किसके पास, स्टिग्मा के पास, जो फीमेल पार्ट के पास चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर इस फिगर को देखिए, इस फिगर में मान लीजिए कि एक पुष्प है, इस पुष्प और फ्लावर को याद रखिएगा, पुष्प को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि इसके अंदर दोनों मौजूद होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब यहां पर इसकी क्लास में मैंने चर्चा की हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। अब यहां पर देखिए कि अगर पराग कण यहीं का यही स्टिग्मा, ये पराग कण दिख रहे हैं आपको, ये पराग कण आके स्टिग्मा में चले जाएं, तो इसका मतलब हो गया कि इसको कहीं और से पराग कण नहीं आया, तो इसे बोलेंगे स्वपरागण। स्वपरागण जहां पर स्वपरागण किसके साथ होता है, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही पुष्प में हो, और अगर दूसरे पुष्प से आपको पोलन ग्रेन पराग कण दूसरे पुष्प में आए, तो इस प्रकार के जो परागण होते हैं इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का क्या होना, इधर से उधर जाना। अब ये कैसे जाता है, तो ये इंसेक्ट से द्वारा, कीड़ों के द्वारा, हवा के द्वारा, तो ये इस तरह से द्वारा यहां पर पॉलिनेटेड होते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ पौधों का नाम भी लिख लेते हैं, इसका आंसर तो सीधे कौन से हो जाएगी, पैडी हो जाएगी। अब हम कुछ का नाम ले लेते हैं कि कौन कौन से स्वपरागण होते हैं, कौन कौन से परपरागण, जिससे आपको आसानी हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहां पर, देखिए इधर लिख लेते हैं, एक तरफ हम लिख लेंगे पराग स्वपरागण और एक तरफ परपरागण, जिसके उदाहरण लिखने से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर लिख लेते हैं हम लोग स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, और इधर हो जाएगा परपरागण। तो स्वपरागण फसल कौन कौन सी होती हैं, वीट, गेहूं,
बार्ले, ओट्स, चावल, राइस यानी पैडी, और भी लिख सकते हैं टोमेटो यानी टमाटर, और लिख सकते हैं इसके अंदर पोटैटो, आलू, ठीक है, आदि। पर परागण के उदाहरण एप्पल, सेब, ग्रेप्स, अंगूर, प्लम, पीन्स, रेसबेरीज, ब्लैकबेरीज, पंपकिन, डैफोडिल, टुलिप, ये सब किसके उदाहरण है? पर परागण। तो स्वपरागण और पर परागण दोनों में अंतर आप समझ सके होंगे। जहां पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा, ये एंथर है जहां से पोलन को कैरी कर रहा है, और स्टिग्मा जो यहाँ पर फीमेल पार्ट है जिसके अंदर पोलन जा रहा है। अगर ये क्रियाएं एक ही पौधे में हो, एक ही पुष्प में हो, पौधे में नहीं पुष्प में हो, तो उसे हम कहेंगे स्वपरागण, और दूसरे पुष्पों द्वारा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पर परागण। चलिए आगे देखते हैं। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस किसी भी फसल का जो टेस्ट करने के लिए ये वजन नापा जाता है, वो क्यों नापा जाता है? उसके क्वालिटी को जज करने के लिए, देखने के लिए कि उसकी क्वालिटी कितनी है, स्टैंडर्ड वेट है कि नहीं, उसका जितना डेवलपमेंट उसका होना चाहिए तो उतना हुआ है कि नहीं, उसके लिए टेस्ट वेट नापा जाता है। तो टेस्ट वेट इसका हो जाता है आपका, याद रखिएगा, बासमती राइस का 21 ग्राम। अगर ऑर्डिनरी राइस का पूछेगा तो वो 25 ग्राम होता है, लेकिन बासमती का थोड़ा सा कम होता है। तो ये 1000 सीड को एक साथ वेट करके देखा जाता है, तो उसके बाद उसका वजन नापा जाता है। जैसे मान लीजिए 1000 सब में नहीं होगा, जैसे मेज मक्का में उसकी जो सीड होती है वो थोड़ी, मक्का जो भाग दिखता है वो थोड़ा भारी होता है, बड़ा होता है, तो उसको हम 100 में ही लेते हैं। तो जैसे और किसी का देखना चाहें तो राइस का तो ये क्लियर हो गया। नॉर्मल राइस पूछेगा तो 25 ग्राम, अगर आप बासमती का पूछेगा, अधिकतर बासमती का पूछता है तो याद रखिएगा 21 ग्राम। अगर व्हीट का पूछता है गेहूं का, तो गेहूं का होता है 40 ग्राम। इसी प्रकार सोयाबीन का 55 ग्राम, सनफ्लावर सूरजमुखी का, स्पेस कम है यहां पर लेकिन आप सब सुनते भी जाइएगा, सनफ्लावर का 40 से 50 ग्राम, और मक्का का 280 ग्राम। तो ये अलग अलग क्या होते हैं? टेस्ट वेट होते हैं। तो इस प्रकार से हम टेस्ट वेट क्यों इंपॉर्टेंट है अब समझ सकते हैं। आगे देखिए, कार्डियल टेम्परेचर ऑफ राइस। राइस के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मुख्य जो तापमान होना चाहिए जिसमें उसका ग्रोथ होता है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है? तो याद रखिएगा कार्डियल टेम्परेचर, तो तीन टेम्परेचर याद रखिएगा, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं मिनिमम, सबसे कम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि टेम्परेचर हम नापते हैं, तो टेम्परेचर हम बोलते हैं, जैसे न्यूज वाले क्या बताते हैं, मिनिमम टेम्परेचर इतना रहेगा और मैक्सिमम इतना रहेगा, यानी कि मिनिमम कब होता है? रात के समय तक, और मैक्सिमम कब होता है? दोपहर के समय तक। तो ये ओवरऑल टेम्परेचर बताया जाता, एवरेज टेम्परेचर नहीं लिया जाता है। तो मिनिमम टेम्परेचर कितना चल सकता है? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 30 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस, इसको ऑप्टिमम या कार्डियल टेम्परेचर बोलते हैं, या मुख्य तापमान जो होगा वो कितना होगा? 30 से लेकर 32 डिग्री होगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 36 से 38 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हो सकता है। इसके अलावा किसी भी रेंज में आएंगे तो उसको नुकसान होगा। अगला देखिए, हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस इज। हलिंग मतलब होता है कि जो रस्क भाग, हस्क, अभी हम लोग हल पढ़े थे, हल क्या है? हल जो भाग, ऊपरी कोट जो होता है उसको हल कहते हैं। इसका परसेंटेज कितना होता है मूल राइस में? तो हलिंग परसेंटेज जनरली जब लास्ट में वो सूख जाता है तो 12 से 13% बचता है, लेकिन अगर हलिंग परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमको, तो टोटल वेट ऑफ, टोटल परसेंट ऑफ ब्राउन राइस, जो मेन अंदर भाग रहता है ब्राउन, और उसके ऊपर जो हलिंग होता है, रफ पार्ट होता है, तो टोटल वेट ऑफ, टोटल पार्ट ऑफ, टोटल रफ राइस, टोटल पार्ट ऑफ रफ राइस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये लगभग आपको 60 से 65% के बीच में होता है। ये हलिंग परसेंटेज की बात बोल रहा है, हल की बात नहीं बोल रहा है। अगर हल की बात करेगा तो 20% हल होते हैं, 11%
ग्रेनलेस होते हैं और 69% मेन पार्ट होता है जिसको स्टार्च इंडोस्पर्म कहा जाता है। तो ये हलिंग परसेंटेज याद रखिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे विच राइस वेराइटीज रिलीज बाय प्राइवेट सेक्टर, इसमें आंख बंद करके याद रखना है इसमें कि प्राइवेट वाला जो होता है वो है आपको PHB71। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि PHB71 जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर का राइस है, बिल्कुल इसको भूलेंगे नहीं। ये हाइब्रिड वेराइटी डेवलप्ड कहाँ से हुआ है, ये डेवलप्ड बाय डेपोंग मेथड। डेपोंग मेथड आगे चर्चा करेंगे, डेपोंग मेथड क्या होता है, इसके द्वारा इसकी उत्पादन हुई है और ये हाइब्रिड वेराइटी है, याद रखिएगा। PHB71 ये एकलौता प्राइवेट सेक्टर द्वारा रिलीज किया हुआ राइस है, चावल है। आगे देखिए, राइस के फ्रूट ऑफ राइस इज कॉल्ड एज, राइस का जो चावल का जो फल होता है उस फल को क्या कहते हैं, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम कैरोप्सिस बोला जाता है, उसका नाम कैरोप्सिस कहा जाता है। आगे देखेंगे वाइडली यूज्ड एन फर्टिलाइजर, तो तीन प्रकार के फर्टिलाइजर्स उर्वरक होते हैं, एक NPK नाइट्रोजन बेस, ठीक है, जिसको नाइट्रोजनस बोलते हैं, फॉस्फोरस और पोटास। तो ये तीनों का अलग अलग रोल है, हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, आप यूट्यूब में लेक्चर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे अधिक यूज होने वाला N केवल N की बात, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर पूछ रहा है, तो याद रखेंगे यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का यूज होता है। और जनरली अमोनियम सल्फेट की अगर बात करें, इसका फॉर्मूला की बात करें, तो NH4O2SO4 होता है और इसके अंदर जो अमोनियम आयन होता है, इसके बारे में समझेंगे, इसके अंदर जो अमोनियम आयन होता है वो एसिड वाले पार्ट को क्या करता है, बढ़ाता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज करता है, फॉर्मेशन करता है। यह एसिड क्या करता है कि सॉइल के पीएच को कंट्रोल करता है, लिमिट करता है और बैलेंस करता है, इट बैलेंसेस द पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है। बेसिकली ये काम तो है ही, साथ में अमोनिया जो होता है वो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है जो इसके ग्रोथ में मदद करता है, जो न्यूट्रिएंट देता है। तो न्यूट्रिएंट वाला भाग तो इंपॉर्टेंट है ही, ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास द्वारा ही मिलता है, पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट क्या है, पोषक तत्व। आगे देखिए, व्हाइट आई ऑफ राइस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी से सफेद राइस के ऊपर, ये जो ऊपरी भाग देखते हैं ना, इसमें सफेद कलर का धब्बा हो जा रहा है, यहाँ पीला दिख रहा है, सफेद कलर का धब्बा, व्हाइट आई बोलते हैं इसको। ये व्हाइट आई जो होता है वो किसकी कमी से होता है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसका आंसर है आयरन की कमी से। तो लोहा की कमी से, अब यहाँ फॉर्मूला भी लिख सकता है और कुछ भी लिख सकता है, तो लोहा की कमी से आपको एक बीमारी कह सकते हैं, इसको व्हाइट आई कहा जाता है, जो लोहा की कमी से होती है। आगे देखिए, किलर डिजीज ऑफ राइस, किलर किसे कहा जाता है, जो पूरे उत्पादन के लगभग 75% फसल को क्या कर दे, नष्ट कर दे, उस तरह के जो ये हैं पदार्थ हैं, पैरासाइट्स हैं जो राइस को नुकसान पहुंचाते, उसे हम किलर डिजीज बोलते हैं। तो किलर डिजीज काउंट होता है दो तरह के कारण से, बैक्टीरियल और टोंगो वायरस के, ये बैक्टीरिया बेस है और ये वायरस, ठीक है, जीवाणु विषाणु दोनों के बेस पे है, ये आंसर याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जरूरी नहीं है क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है जो हो सकता है पूछा जा सकता है, तो आप इससे कई क्वेश्चन भी यहाँ पर देख पाएंगे। क्रोमोसोम नंबर किसी का भी पूछ सकता है, वीट का मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट पेपर में, पहले जो टेस्ट हुए हैं, आप अगर टेस्ट में इनरोल होंगे तो आपको दिखा होगा, ठीक है, तो टेस्ट अगर ज्वाइन करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर 2N ऑफ राइस, देखिए अब यहाँ पर 2N बोल दिया है, N बोलता तो अलग, 2N बोल दिया है, तो 2N का याद रखेंगे कितना होता है, एक पेयर होता है 12 का, तो टोटल 2N कितना हो जाएगा, 24, तो टोटल 24 पेयर्स हो गए और 12 मिला के पेयर होंगे, तो 2 × 12, तो ये हो गया हमारे पास टोटल 24 नंबर, 12 पेयर्स, ठीक है, तो 12 पेयर यानी कि कितना हो गया, n नंबर ऑफ पेयर्स, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पेयर्स, तो टोटल आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24, अगर n लिखता तो हम 12 लिखते। गैस एमिटेड फ्रॉम द राइस फील्ड, चावल की खेती से कौन सा गैस उत्पादन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो नहीं सकता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, CH3 कोई कंपाउंड नहीं होता, और बच गया हमारा मीथेन, इसका आंसर हो गया मीथेन।
अब याद रखिएगा, चावल की खेती के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है क्योंकि इसके द्वारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, हरित गृह गैसों का एमिशन होता है इस कारण से। इसका थोड़ा सा, अब इसको नहीं कह सकते कि इतना ज्यादा इफेक्ट होता है, पेड़ पौधे हैं जो बचा लेंगे, लेकिन फिर भी इसका एक दुष्प्रभाव तो है। याद रखिएगा इससे क्या निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। आप चावल के खेत में जाओगे तो आपको इस तरह का अनुभव होगा भी। आगे देखिए, पैरा और रूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम इज क्लोजली रिलेटेड टू, दो प्रकार के क्रॉपिंग पैटर्न है, सिस्टम है, नाम है पैरा और उटेरा। याद रखिएगा पैरा और उटेरा, और पैरा उटेरा दोनों किसके लिए यूज होता है, एक प्रकार का रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, रिले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल है, और ये दोनों देखा जाता है राइस के। अब यहां तो राइस के ही क्वेश्चन है तो आंसर समझ में आ गया होगा, लेकिन अब ये वर्ड याद हो जाना चाहिए, पैरा और उठेरा। तो वहां पर ये एक प्रकार का रिले क्रॉपिंग है, ठीक है, और दोनों का ही मतलब कह सकते हैं रिले क्रॉपिंग का ही एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं सीड रेट इन डेपोग मेथड। चलिए डेपोग मेथड आ गया, अब समझते हैं डेपोग मेथड क्या होता है उसको देखिए। तो डेपोग मेथड मान लीजिए कि ये कॉन्क्रीट है, इसमें डायरेक्ट मिट्टी से नहीं जोड़ा जाता है पौधे को, बीज को, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको एक मान लीजिए आपने ये सरफेस हो गया, कंक्रीट हो गया, जो भी प्लेस हो सकता है, मिट्टी का एक बेड हो चुका है, तो ये बेड है, इसके नीचे प्लास्टिक बिछा देते हैं, ठीक है। इसके नीचे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को बिछा देते हैं, और ये पूरा एरिया किससे कवर कर देते हैं, मान लीजिए ब्लू रंग का क्या है, प्लास्टिक है, और ये प्लास्टिक से क्या कर दिए इसको नीचे, ये हो गया, ठीक है। और इस इलाका में, ये जो बीच वाला इलाका दिख रहा है, इस इलाका में क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है, मिट्टी जिसको हम स्लरी कहते हैं, स्लरी को यहाँ पर पेस्ट टाइप का यहाँ पर लगा देते हैं। और इसके ऊपर अब देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट ग्राउंड से टच नहीं हो रहा है, नीचे तो प्लास्टिक बिछा हुआ है तो ग्राउंड से टच नहीं करता, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फिर छोटे छोटे सीड को क्या करते हैं, सोन कर देते हैं, ठीक है। जब फसल निकल जाता है फिर आप उसको जाके खेत में लगा सकते हैं। इस मेथड को डेपोग मेथड कहते हैं, याद रखिएगा फिलीपींस में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब इस मेथड में याद रखिएगा, डेपोक मेथड में पहली बारिश कब हुआ था, फर्स्ट यूज्ड इन फिलीपींस, और इसमें सॉयल से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो कांटेक्ट विद सॉयल, ठीक है। नीचे मिट्टी दिख रहा है ये वाला, ये मिट्टी से इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। इसका सीड रेट पूछ रहा है कि सीड रेट कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका सीड रेट होता है 3 to 4 kg पर स्क्वायर मीटर। अगर ऑप्शन में 1 to 3 भी लिखा है तो भी सही है, ठीक है, 1 to 3 भी लिखा है तो भी सही है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 to 4। आगे देखते हैं एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग प्रिपरेशन इन डेपोग मेथड। एरिया रिक्वायर्ड सीडलिंग प्रिपरेशन के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, तो याद रखिएगा इसका 25 से 30 सेंटीमीटर। तो डेपोग मेथड आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या मेथड है। आगे देखिए मिरेकल राइस, जादुई राइस किसे कहा जाता है, याद रखिए मिरेकल राइस किसे कहते हैं। तो इसमें दो आंसर याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा जया जी को, ठीक है, मिरेकल राइस जो भारत का अगर बोला जाए तो जया, याद रखिएगा जिसको मिरेकल राइस, और एक राइस है जो प्रसिद्ध है वो है IR8, ठीक है, IR8। इसका निर्माण इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म भी कह सकते हैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसका निर्माण किया गया है, नाम है जया, ये सॉरी IR8, ठीक है, और भारत का जया। अगर ये जया ऑप्शन नहीं है और IR8 है तो आंख बंद करके आप इसको आंसर टिक कर देंगे। तो IR8 और जया को जनरली मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें आपत्ति है लोगों को, इसमें आपत्ति है, लेकिन इसका कोई ये नहीं है, अभी हम मान के चलेंगे कि भारत का कौन सा है, ये इसी को मिरेकल राइस कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फ, मतलब होता है बौनापन। तो चावल के बौनेपन होने का जो जीन रेस्पॉन्सिबल है, जो जीन उसका, जीन को जीन ही कहेंगे, जो रेस्पॉन्सिबल है वो है DGOU जीन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है DGWG, DGWG। इसको कहाँ से कहते हैं, HD1 से कहते हैं, ये कहाँ से आया, इसका नाम है DGWG, DGU जीन,
ठीक है, यही रेस्पॉन्सिबल, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्वार्फनेस, बौनापन, चावल के बौनेपन होने के कारण कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है? तो याद रखेंगे डी जो जियो वो जीन। H2S caused which disease in rice crop? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कौन सा डिजीज काउज करता है, वो याद रखिएगा, अक्योची। देखिए यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है ये कालापन जो दिख रहा है, यही बीमारी को कहते हैं अक्योची। ये बीमारी को याद रखेंगे आप कि इसमें कौन सा डिजीज काउज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। खैरा डिजीज इज काउज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, खैरा डिजीज तो ये काफी कॉमन है, ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है कई बार, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा, खैरा डिजीज किसके कारण होता है? जिंक की कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है। ठीक है, इसके लिए जिंक सल्फेट का यूज किया जाता है, जिंक सल्फेट। हमारे शरीर में जिंक किसमें काम आता है? इम्यूनिटी के लिए। अब तो सब जान गए होंगे इम्यूनिटी के में मदद करता है कौन? जिंक। ठीक है, जिंक में जब हम लोग कोटिंग करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, इसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं या शदीकरण। ठीक है, तो जिंक के कमी से कौन सा बीमारी होता है? खैरा डिजीज होता है, खैरा डिजीज होता है। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, ऑप्टिमम सॉयल पीएच, सॉयल का पीएच कितना होना चाहिए? पीएच क्या होता है? पीएच हम जानते हैं, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जनरली एच प्लस आयन का, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता को, कंसंट्रेशन को बताता है, जिससे हमें समझ में आता है कि कोई चीज एसी अम्ल है कि क्षार, एसिड है कि बेस है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि पीएच 0 से 7 के बीच में अगर हो तो उसे हम अम्ल कहते हैं, और 7 से 14 के बीच में बोले तो उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, तो आगे है कि अब ये पूछ रहा है कि कौन सा होना चाहिए। तो पीएच जो होना चाहिए वो ना तो एसिडिक होना चाहिए ना ज्यादा क्षारीय होना चाहिए, लेकिन तो इसका रेंज जो होता है ये याद रखिएगा, 4 से 6 पीएच होना चाहिए ऑप्टिमम सॉइल का। ठीक है, किसके लिए? राइस के लिए। ठीक है, अब अमोनियम सल्फेट जो लगाते हैं वो इसका पीएच को बैलेंस करता है। एक प्रश्न का आप जवाब देंगे कि अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी इसमें, फसल सॉयल में एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो हम किस चीज को उसमें मिलाते हैं, किस चीज को मिलाते हैं? प्रश्न है हमारा कि एसिड की मात्रा अगर सॉयल में बढ़ जाए, यानी सॉयल पूरी एसिडिक हो जाए, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? और दूसरा क्वेश्चन बताएंगे कि ज्यादा क्षारीय हो जाए तब उसमें क्या मिलाते हैं। तो 2 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और जरूर से देंगे, अगर आपको आता है तो जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये 29 क्वेश्चन जो है वो हमारे क्या है? एमसीक्यू है। अब कुछ डिजीजेस के डिस्कस करते हैं जो ओरेजा सेटाइवा यानी कि चावल के प्रमुख जो रोग हैं उसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि चावल की कौन कौन सी रोग होती है। मुख्य 5 रोग तो कई होते हैं, तो मुख्य 5 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो चावल का जो रोग है उसे हम राइस ब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइस ब्लास्ट। ठीक है, और राइस ब्लास्ट किसके कारण होता है? तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, इसलिए हम 5 ही पढ़ रहे हैं। पायरिकुलेरिया ओराइजा, ओराइजा, ठीक है, पायरिकुलेरिया ओराइजा, इसको ये भी बोला जाता है मैग्ना फोर्ते ग्रीसे। याद रखिएगा, जब प्रश्न क्वेश्चन आया था तो उसमें ऑप्शन में ये था, इसलिए इस नाम को भी आपको याद रखना है, मैग्ना फोर्ते ग्रीसे। ठीक है, तो मैग्ना प्रोथे के कारण, मैग्ना प्रोथे और पायरिकुलेरिया के कारण चावल में ब्लास्ट होता है। याद कैसे करेंगे? मैग्ना पाइरूकुलेरिया के कारण राइस में ब्लास्ट होता है। चलिए, अब इससे बचने का उपाय, तो बचने का उपाय याद रखिएगा, इसमें हम लोग सीड को क्या करते हैं? उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट विथ, किससे ट्रीट करेंगे? कैप्टन या थीरम से, कैप्टन या थीरम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, थीरम तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा ही दिखेगा, थीरम से करते हैं। और एक दवा का नाम है जिसको बोलते हैं ट्राई साइलोजोल, और इसको कैसे देना है? एट 2 ग्राम पर kg, याद रखिएगा। और इसमें स्प्रे करेंगे, तो कुछ नाम आप याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थीरम याद रखना है। तो ट्राई साइक्लोजोल
को हम स्प्रे भी कर सकते हैं, ट्राई साइक्लोजोल। तो कुछ नाम आपको कॉमन दिखेंगे सब चीज में जो बीमारियों में इसमें यूज किया जाता है, जिसका परसेंटेज 0.06% रहेगा अगर हम पानी में मिलाते हैं तो। ठीक है, तो 100 लीटर के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अगला देखिए, चावल की भूरी चित्ती। देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ब्लास्ट किसको कहते हैं, देखिए लग रहा ब्लास्ट हो गया है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लास्ट जो हो रहा है इसी को देखिए, समझ में आपको आ जाएगा, ये देखिए ब्लास्ट। ठीक है, आगे देखिए, अब ये देखो ब्लैक, देखिए भूरी जो छोटी छोटी ये दिख रही है ना, चित्ती टाइप की, चिकन पॉक्स टाइप की हो गई है ये सब चीजें, तो इसको हम लोग बोलते हैं चावल की भूरी चित्ती, ब्राउन स्पॉट ऑन राइस। ये किसके कारण होता है, तो हेल्मी थोस्पोरियम ओरेजाए। ठीक है, हेल्मिन थोस्पोरियम ओरेजाए। अब इसका प्रोनाउंसिएशन अब अपने हिसाब से कर सकते हैं, हो सकता है मेरे से भी गलती हो, लेकिन इसका नाम है हेल्मिन थोस्पोरियम ओरेजाए। सबके नाम के आगे देखो ओरेजाए लिख रहा है, ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसके इसके कारण ये कौन सी बीमारी हो रही है, यहाँ पर चावल की भूरी चित्ती हो रही है। तो हेल्मिंथोस्पोरियम के कारण आपको चावल की ब्राउन स्पॉट हो रही है। तो स्पॉट का SPO याद रखेंगे, स्पोरियम का ये याद रखेंगे, थोड़ा बहुत आपको कुछ अपने तरीके से इसको याद करने का आवश्यकता है। इसमें हम लोग यूज करते हैं मैनकोजेब एट द रेट 0.3%, और थीरम यहां पर भी यूज होता है, थीरम 4 ग्राम पर kg। तो 4 ग्राम पर kg में हम किसका उपयोग करेंगे, थीरम, तो इससे बीमारी ठीक हो जाएगी। अगली बात करते हैं हम सीथ ब्लाइट ऑफ राइस। सीथ ब्लाइट चावल के खोल में धब्बे, खोल में धब्बे, ये जो धब्बे दिख रहे हैं लागा चुनरी में दाग, देखिए धब्बे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये धब्बों का क्या कर रहे हैं, तो ये धब्बों किसके कारण हो रहा है, तो राइजोसिटोनिया सोलानी, राइजो सिटोनिया सोलानी। ठीक है, और सेक्सुअल स्टेज में इसका नाम है थैंटोफोरस कुकोमरिस। ठीक है, तो राइजो सिटोनिया सोलानी याद रखिएगा, ये शीथ का कारण होता है। ठीक, सोलानी का, सोलानी में एस है, यहाँ पर भी शीथ है, तो ये याद रखिएगा राइजो सिटोनिया सोलानी। प्रोनाउंसिएशन और भी हो सकते हैं, लेकिन जितना दिख रहा है वैसे ही इसके हिसाब से यही है, और ये बीमारी का नाम है सीथ ब्लाइट ऑफ राइस। पहला तो प्रश्न यही बनता है कि इनमें से कौन सी बीमारी चावल की है, वो बहुत बड़ा है कि अगर आप वो भी याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात हो, किसके कारण हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है। लास्ट स्टेप में आपको जाना है कि उसके लिए हम क्या केयर करते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा यूज करते हैं हम लोग स्यूडो मोनास, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्यूडो मोनास फ्लोरोसेंट, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंट का उपयोग करते हैं 10 ग्राम पर kg सीड, 10 ग्राम पर kg सीड। ठीक है, और एक मेथड होता है इसको, इसके अंदर हम 2.5 kg ऑफ प्रोडक्ट पर हेक्टेयर का यूज करते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं 20 मिनट तक इसको पानी में डुबा के रखते हैं। सेम चीज को क्या करते हैं, सीडलिंग डिप, इसको पानी के अंदर 10-20 मिनट तक डुबा के रखते हैं, और कितना रखेंगे, तो एट द रेट 2.5 kg ऑफ प्रोडक्ट पर हेक्टेयर, प्रोडक्ट पर हेक्टेयर याद रखिएगा, इसको 100 लीटर पानी में घुलना है और 20 मिनट तक रखना है। तो आप ये नाम बस याद रखेंगे तो काफी है। चलिए अगला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ये देखिए ऊपर में जो सूख जाता है, झुलसा जाता है, जैसे जल गया ऐसे करके, इसका कारण है जैंथोमोनास ओरेजी। तो ओरेजी देख के ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जैंथोमोनास ओरेजी याद रखिएगा। इसको एग्रीमाइसिन दवा, इसको सुधारने के लिए एग्रीमाइसिन, ठीक है, 8 घंटा तक हमको रखना है, इसका परसेंटेज है 0.025%, और फिर इसके बाद इसके ऊपर फॉलो बाय हॉट वाटर, पानी का बौछार, गर्म पानी का बौछार करना है फॉर 10 मिनट। ठीक है, तो ये है, या फिर स्प्रे करने की बात करेंगे तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का हम यूज कर सकते हैं, तो उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज करते हैं हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ हम छिड़काव करेंगे, तो याद रखिएगा किसके बचाने के लिए, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का। आगे देखिए शीथ रॉट ऑफ राइस, शीथ रॉट ऑफ राइस चावल के खोल की सड़न, ये जो सड़ गया दिख रहा है आपको,
ये है हमारे पास, आपको हर चीज में डायग्राम दिखा दिए हैं, क्योंकि आप जब जाएं अब खेत में तो आप ये अनुभव करें कि ये बीमारी अगर है तो क्या इलाज करना है। तो ये किसके कारण है, तो ये कारण है स्क्लेरोटियम और आइजे, स्क्लेरोटियम और आइजे की कारण होता है ये बीमारी, याद रखिएगा ठीक है। और इसको इसके अंदर इसका क्योर क्या है, तो कार्बेनेडाजाइन, कार्बेनडेजिम या कार्बेनडाजिम या मैनकोजेब, मैनकोजेब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैनकोजेब इसको 250 ग्राम पर हेक्टेयर हमको क्या करना है, स्प्रे करना है ठीक है। तो कार्बेनडाजिम और मैनकोजेब हमको यूज करना है किसके क्योर के लिए, सेथ रॉट ऑफ राइस ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं उसको याद रखेंगे आप, सीथ रॉट, उसके बाद है आपका बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, सीथ ब्लाइट और ब्राउन स्पॉट एंड राइस ब्लास्ट। तो ये हमारे कुछ क्या है, चावल की बीमारियां हैं ठीक है। तो यहीं तक आज हम रखेंगे, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करें ताकि हम और क्लासेस इस पर बना सकें ठीक है। और आप ऐप डाउनलोड हमारा कर सकते हैं, द पढ़ंतु नाम से प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जहां पर आपको और अन्य कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।